के लिए आमंत्रित करता हूं पूर्वा दरीबा एंड ग्रोव। क्योंकि कपड़े बेचने लोगों को मार मार के बोर हो चुका था। पर फिर मुझे क्यों अभिनव? तुम क्यों नहीं? इसी बात में क्या कि पॉपुलेशन भी तो थोड़ी कम हुई। तुम मुझे पसंद करता था। हाँ, कभी करता था। तुमने मुझे मारा क्यों? मेरा मन हुआ कुछ ठीक। यू आर इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो फिर मैं क्यों? तुम क्यों नहीं? सबको एक ना एक दिन मरना है, तो फिर साल इंतजार करने का फायदा क्या? यू आर परफेक्ट। तुम लोग को पता है तुम्हें कोई छू नहीं सकता जब तुम्हारे हाथ में बंदूक हो। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता जब तुम्हारे हाथ में बंदूक हो। तुम जो चाहे वो बन सकते हो, तुम किसी से भी लड़ सकते हो। तुम्हारा चलना बोलना सोचना सब अलग ढंग से होता है जब तुम्हारे हाथ में वो बंदूक होती है। तुम जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो। मॉम मेरी बात सुनोगे? पहले तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था, फिर वीडियो गेम, फिर लैपटॉप, पर वो सब तो पढ़ने के था डैड। वो जो तुमने इतने जितने में एक बाइक खरीदी थी वो सिर्फ तुमने तेरी बार यूज किया है। हमने कहा मैं जूते नहीं क्या दे, अब तुम्हें सूटिंग दे सकनी है। दादू चाहती थी कि मैं उनकी तरह बनूं। दादू हर समय हंडी करने जाते थे। अबे आपको ये गलत लगता है अपने से लगता चुके क्या? ये कह रही कि वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। तो मुझे भी शूटिंग सीखनी है। तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं है। ये कम कर नहीं सकते। भाई जाने दो। दिलीप आप कौन हो?
और तुम्हारी सोच का गला घोटते हुए ब्लैकबोर्ड पे लिखी क्लाइंट की वजह से आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। ठीक है,
बिल्कुल नहीं आएंगे। तुम्हें तो वो सब करने से पहले सोचना चाहिए था। इससे अच्छा तुम्हें मर ही जाओ। अभिनव, तुम अपनी बात अपनी दीवार पे कभी मत लाना। बस मां बस, अब मैं और नहीं सह सकता। साइकोथेरेपिस्ट स्कूल में बच्चों का आस्था, बस अब और नहीं। अब तुम शांत हो जाओ, एक और बात नहीं बोलोगे। आई हेट यू बोल अनिश की। आप लोग मर जाते और मुझे आप लोगों को कभी दोबारा नहीं देखना पड़ता। देखो इसने ये किस तरीके की बातें कर रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा डॉक्टर मेरे साथ? स्कूल में सारे बच्चों का आसना, यहाँ आप लोग भी, मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। कैसा हो सकता हूँ? मुझे पागलों के डॉक्टर से मिलने के लिए फोर्स किया गया है। तो क्या मुझे आपसे बात नहीं करनी है? मैंने तुम्हारे स्कूल के कुछ लोगों से बात की है। किससे? तुम्हारे फुटबॉल कोच तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम स्कूल में काफी अच्छे रिजल्ट कर रहे हो। क्या? पर जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो तुमने ब्लैक बोर्ड पे वो क्यों लिखा? क्योंकि शायद मैं पागल हूँ, या मेरे पेरेंट्स पागल होंगे, या मुझे किसी दोस्त का सहारा होगा। और ये भी तो हो सकता है तुमने वो सब अपने मन से किया और इसमें किसी और का कोई हाथ ना हो। I don't like you. I just wanna leave. इसकी जरूरत नहीं है, पर ये जरूरी है कि तुम सच बोलो। क्या उस दिन जो तुमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो करना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ। पर तुम्हारे ठीक होने के लिए और स्कूल वापस जाने के लिए तो तुम्हारा हर हफ्ते यहाँ आना जरूरी है। तो फिर मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा। Don't you think that's self-destructive, Abhinav? So what? My life is junk. इससे अच्छा तो मैं खुद को मार ही लूँ। Do you think about suicide? Sometimes. कब? जब मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैसी आवाज़ें? In my head. किसकी आवाज़ है? बच्चों की, वो सभी स्कूल के बच्चों की। तुम्हें उनसे फर्क क्यों पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, अब मैं निकलूँ? Abhinav, I would really like to run some medical tests to see if we can relieve your pain with medication. तो तुम्हें इसके लिए मेरे साथ हॉस्पिटल में ओवरनाइट रहना पड़ेगा। पूरी रात? वो भी हॉस्पिटल में? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है मेरे दोस्त ने कितना मजाक उड़ाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं पागल हूँ। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे। ओह गॉड, कोई मुझे निकालो मुझे यहाँ से। स्कूल में टीचर्स कहते हैं ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसे मत रहो, वैसे रहो। फिर इन सबसे थका के जब घर आता हूँ तो आप लोग भी मुझ पर कमियां निकालने लगते हैं। इन सब इस दुनिया में मैं कहाँ फिट हो पाऊंगा? क्या थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं है मुझ में? क्या इतना बुरा हूँ मैं? आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, पर मैं करता भी क्या? आप लोग मेरी कभी बात ही नहीं सुनते थे। शायद पहली बार है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं बिना मुझे टोके। अब आप लोग से बात करना कितना आसान है मेरे लिए। एनीवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग। व्हाई मी? यू लाइक मी? यू स्निच्ड ऑन मी? व्हाई यू शूट मी थ्रू द हार्ट? व्हेयर डू यू थिंक यू शॉट मी? व्हाई यू प्रिटेंड आई एम नॉट देयर? व्हाई मी? क्योंकि तुम मुझसे अच्छे थे। एंड
तुम्हें क्या पता कैसा लगता है जब एक पल तुम सब कुछ हो और अगले पल कुछ भी नहीं। छोटा तो मैं भी था। I don't know. Exactly. तब भी तुम ये नहीं समझ पाए कि मैं किस दौर से गुजर रहा था। मैं जीना नहीं चाहता, पर मैं मरने से भी बहुत डरता हूँ। What do you want from me? Life? I can't bring you back. Don't you see that? If I could, I would. But it's over. It's all over now. It's just waiting for you, Abhinav. We will be in your head until you are dead. For the rest of your life. And you see us over. And over. And again. As you saw us yesterday in the school cafeteria. Dead. 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 Gosh, it's a good thing. तो सब ठीक मुझे मन के जाए कर दिल ये मेरा फिर से खिले। मैं ये करना नहीं चाहता था। ये मैं क्या कर बैठा हूं? शायद अपने आप को ही खो बैठा हूं। पर मैं क्या करता उन आवाजों का? उन आवाजों के चलते डर गया था, मैं थक गया था, अपने आप से ही मैं डर सा गया था। मुझे लगा था ये महज एक खेल है, किसी का भी अंत नहीं चाहता था मैं, बिल्कुल भी नहीं। अब कोई नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे गम और ना ही मेरे खुशियां बांटने को। अकेला हो गया हूं मैं, एकदम अकेला। प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपनी गलतियां सुधारने का। प्लीज एक आखिरी मौका। Oh God.